हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम साइंस एंड फन क्लास कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों तो आज है ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर वन शॉट रिवीजन दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन जिस चैप्टर के अंदर आप पूरे बॉडी के हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे Uh, हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ोगे उसके एक्शंस के बारे में पढ़ोगे एंड उसके अगर डेफिशिएंसी हो जाए या फिर ओवर ओवरसिक्रेशन हो जाए तो क्या क्या डिसऑर्डर्स क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं उसके बारे में भी पढ़ोगे ओवरऑल आपने जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो उस चैप्टर से ये वाला चैप्टर थोड़ा सा रिलेट करता है क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम्स मिलाकर न्यूरल सिस्टम और केमिकल सिस्टम दोनों सिस्टम मिलाकर हम हमारी बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं और रेगुलेट भी कर पाते हैं तो न्यूरल सिस्टम में आपने पढ़ा था कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है कैसे सिग्नल्स आती हैं स्टमलिस के अगेंस्ट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि कौन कौन से हॉर्मोन का सिक्रीशन किस तरह के टारगेट ऑर्गन पर इफेक्ट डालता है अपना और उस तरह के ऑर्गन फिर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेसिकली दोनों ही एक तरह से समझ लो कि एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है बस तरीका अलग अलग है सो लेट्स स्टार्टेड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वन लेक्चर फटाफट से शुरू करते हैं दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले तो हमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर ही उसके बारे में पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही ये चैप्टर है सो so ये इंक्लूड करता है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड और उसकी सिक्रेशन आहा uh हां -huh. ये इंक्लूड uh, करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और उसके सेक्रेशंस को एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशंस को हार्मोन्स बोला जाता है क्यों हार्मोन्स बोला जाता है बिकॉज़ हार्मोन्स आर दोस केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट्स बहुत ही थोड़े अमाउंट में ये रिलीज होते हैं एंड दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब ब्लड कैरी करके उस हार्मोन को कैरी करके एक पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएगा उसे या फिर ग्लैंड तक लेकर जाएगा उसे तब वो जाकर एक्ट करेगा उसके साथ बाइंड करेगा ठीक है सो so, हॉर्मोन्स क्या है बेसिकली नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं इंटरसेल्युलर मैसेजर की तरह काम करते हैं इंटरसेलुलर मैसेजर यानी कि सेल्स जो है आपस में मैसेजेस कैरी करेंगे हॉर्मोन्स के थ्रू क्योंकि मान लो अगर किडनी है ठीक है तो अड्रीनल ग्लैंड अड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करेगा दैट इज अड्रीनलिन तो वो अड्रीनलिन ब्लड स्ट्रीम में पोर हो जाएगी जब उसका सिक्रीशन होगा और वो फिर अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस को अफेक्ट करेगी अब जैसे अड्रीन रश हो जाता है जब भी हमारे बॉडी में तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है हमारा मुंह सूखने लगता है सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है ये सारे जो इफेक्ट्स है ना ये सब इंटरसेलुलर मैसेंजर के थ्रू ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बट इसका इफेक्ट अच्छा खासा हमारी बॉडी में देखा जाता है चलो नाउ अब आप इस में देख रहे हो कि फीमेल बॉडी है मेल है। फीमेल और मेल दोनों में कौन-कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहले हम लोग जिस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे दैट विल बी हाइपोथैलेमस जो मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी समझाया था कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो न्यूरल सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हंगर थर्स्ट इमोशंस वगैरह कंट्रोल करता है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं यानी कि मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो मेजर हॉर्मोन्स का सिक्रीशन या स्टमुलेशन करने वाले सिक्रीशन्स करवाता है और उसको भी कंट्रोल या रेगुलेट करने वाला जो ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलमस तो पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड व्हाई बिकॉज इट कंट्रोल्स द दिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे, बारे में पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि छोटू सा पी साइज का एक ग्लैंड होता है और हमारे बॉडी के स्लीप स्लीपे साइकिल को रेगुलेट करता है हमारे डायर को कंट्रोल करता है थायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो हॉर्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स उसके सिक्रेशंस बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में थायरॉयड की प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है किस चीज़ से ये हार्मोन का सिंथेसिस होता है मेजर मेजर एलिमेंट क्या प्रेजेंट होना चाहिए इस हार्मोन uh, में और इसके डेफिशिएंसी से या ओवर सिक्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फिर आ जाता है पैराथॉरोइड फिर आ जाएगा थाइमस जो कि एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चों हमारे चेस्ट रीजन में पाया जाता है और ये जैसे जैसे अडल्ट स्टेज आती है ना वैसे वैसे ये डिजेनरेट करके बहुत छोटा साइज हो जाता है थाइमस का और जब एज और बढ़ती चली जाएगी बाई द टाइम ये डिक्रीज होते होते गायब हो जाएगा थाइमस का मेन रोल है हमारी बॉडी के इम्यून डिफेंस सिस्टम uh, के लिए तो यानी कि यहाँ पर बी इम्फोसाइड्स टील इम्फोसाइड्स का प्रोडक्शन होता है जो कि डिरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम का यू uh, नो you know, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं फिर हम बात करेंगे अड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जो सिकरीट करता है एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन ये एक तरह के न्यूरो भी होते हैं अड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन और एक तरह से समझ लो कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस भी परफॉर्म कराता है अलग अलग तरह का रोल परफॉर्म कराता है किडनी ठीक है किडनी है पैनक्रियाज है पैनक्रियाज आर ऑल्सो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह परफॉर्म करते हैं या फिर पार्ट लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एलिमेंट्री कनाल में ट्रिप्सिन लाइपेज जैसे एंजाइम सिक्रीट करेंगे एक चीज का ध्यान रखना बच्चों जब भी हम किसी एंड एक्न ग्लैंड के बारे में बात करेंगे ना उसके सिक्रीशंस को यूजुअली एंजाइम बोला जाता है क्योंकि एक्जोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसके सिक्रीशन्स डक्ट के थ्रू निकलते हैं एक डक्ट सिस्टम होता है उनके सिक्रीशंस में उनके ग्लैंड में इसीलिए उनके सिक्रीशन को एंजाइम्स यूजुअली बोला जाता है और जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना वो डकलेस ग्लैंड होती है उसका जो सिक्रीशन है वो जो जो भी आ, अपना सिक्रीट करेगा ना लिक्विड वो डायरेक्टली पोर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में इसीलिए हम उसे हॉर्मोन्स कहते हैं और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में बहुत ही थोड़े अमाउंट में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो एक्जोक्राइन ग्लैंड इज इक्वल टू एंजाइम्स इज इक्वल टू डक्ट और एंडोक्राइन ग्लैंड इज इक्वल टू हार्मोन्स इज इक्वल टू डक्टलेस ग्लैंड ठीक है ये हमेशा याद रखना फिर आ जाता है ओवरी जो कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में देखा जाएगा यूटरस सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में देखा जाएगा ये भी कुछ ऐसे फीमेल हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिनका रोल फीमेल्स में आ, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा होता है फिर आ जाता है लास्ट टेस्ट दैट इज फाउंड चलो एक एक करके सबके बारे में अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में देखो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो होती है हाइपोथैलेमस की वो सिक्रीट करेंगे कुछ टाइप के हार्मोन जैसे कि रिलीजिंग हॉर्मोन्स इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स और ऑक्सीटोसन वासोप्रेसिन ठीक है ये तीन तरह के हॉर्मोन्स जो है ये रिलीज कराता है रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसन वासोप्रेसिन नाउ रिलीजिंग uh, हार्मोन्स जितने भी हैं ना वो स्टूमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को जैसे कि गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया जो स्टूमुलेट करेगा गोनेडोट्रोफिन्स को और गोनेडोट्रॉफिस रिलीज़ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से तो गोनेडोट्रॉफिन को रिलीज करने वाली जो हार्मोन है वो हो uh, निकलती है हाइपोथैलेमस से

वो सिक्रीट कहां से होकर वहां पे स्टोर होने गए हैं वो एक्चुअल में से सिक्रीट होते हैं पर ये सब आपको नहीं लिखना है जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फ्रॉम वेयर पिट्यूटरी सॉरी फ्रॉम वेयर ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन आर रिलीज तो रिलीज होते हैं बच्चों वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफिस से चलो आगे देखो अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है बोनी कैविटी में जिसे टर्सिका भी बोलते हैं और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू अटैच हो जाता है इसी वजह से हाइपोथैलेमस के जो सिक्रीशन है वो उसी स्टॉक के थ्रू पहुंच जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड में ठीक है दिस इज द इनफंडिबुलम यह हाइपोथैलेमस और यह है पिट्यूटरी ग्लैंड चलो पार्ट्स क्या क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पहला होता है जिसको एंटीरियर बोला जाता या फिर की तरफ का जो रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसे पोस्टीरियर पिट्यूट्री या फिर न्यूरोहाइपोफिस कहेंगे।, कहेंगे जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का ठीक है अडीनोहाइपोफिसिस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक है पास डिस्टालस और एक है पास इंटरमीडिया पास डिस्टालस पास इंटरमीडिया आर द पार्ट्स ऑफ अडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस अलग है वो पोस्टीरियर है पास डिस्टालस का जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पास डिस्टालस है वो प्रोड्यूस करेगा सोमेटोट्रोफिन so, या फिर ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड हार्मोन को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच ये फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करती हैं हमारे ओवरीज में हमारे ओवा में हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स में और इसी के थ्रू होता है डेवलपमेंट फोलिकल्स का इसी के थ्रू ग्राफियन फॉलिकल मच्योर करती है इसी के थ्रू ओव्यूलेशन हो पाता है ठीक है चलो आगे देखो पास डिस्टेलिस इंटीरियर इंटीर पिट्यूटरी का जो पास डिस्टेलिस है वो जब सोमैटोट्रोपिन या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो वो बॉडी के ग्रोथ के काम आएगा अगर बहुत ज़्यादा ओवर ओवरसिक्रीशन हो जाता है तो गैगेंटिज्म हो सकती है यानी कि अब नॉर्मली ग्रोथ हो सकती है बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाएगी इंसान की अगर हाइपोसिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हॉर्मोन का तो दैट कैन कॉज ड्वार्फिज्म यानी स्टंटेड ग्रोथ यानी कि वो जो पर्सन होगा वो बौना सा होगा उसकी हाइट बहुत कम होगी ग्रोथ बहुत कम होगी यहाँ पर आप देख सकते हो ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म दोनों ही एक साथ

हो जाती है कुछ कुछ केसेस में अगर अर्ली डायग्नोसिस किया गया वैसे तो ये डिफिकल्ट होगा पर अगर किया गया तो वो बहुत ही समझ में मतलब पता चल जाता है कि ये बहुत टाइम से अनडिटेक्टेड रहा है जब बिल्कुल ही केस ज्यादा बढ़ जाता है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब इसका डिटेक्शन हो पाता है अब हम देखेंगे फॉलिकुलर स्टमुलेटिंग हार्मोन के बारे में जो स्टमुलेट करेगा गोनेडल एक्टिविटीज को मेल्स में एफ और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को फीमेल्स में एफ एस करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स की नाउ, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन गोनाडल एक्टिविटी को स्टूमुलेट करेगा मेल्स में ये सिक्रीशन और सिंथेसिस कराएगा एंड्रोजेंस की एंड्रोजन्स आर द मेल सेक्स हार्मोन्स में प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स जो ट्रेस्टिस सिक्रीट uh, करता है और फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन कराते हैं ओव्यूलेशन का क्या मतलब है रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल फॉलिकल रप्चर कर जाता है ओवा रिलीज हो जाती है और फलोपियन ट्यूब उसे कैप्चर करके अपने पास लेकर जाता है दैट पूरा का पूरा प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन जहां पर भी ये वर्ड ओव्यूलेशन आ जाए समझ जाना कि आपको एल एच सर्ज लिखना है वहां पर एल एच सर्ज से रिलेटेड हो जाती है ओव्यूलेशन ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन अपने बिल्कुल ही पीक पर होती है तब जाकर ओव्यूलेशन होता है एंड मेंटेन होती है कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम क्या चीज है जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और उसमें से ओवा बाहर निकल जाएगी वो ग्राफियन फॉलिकल थोड़ा सा डीजेनरेट करके कॉर्पस ल्यूटियम एक येलोइश मास बन जाता है टिश्यूज का ठीक है उसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता रहता है जिसका काम है यूट्रस को प्रिपेयर करना प्रेगनेंसी के लिए ठीक है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगातार सिक्रीट करता रहेगा आफ्टर ओव्यूलेशन ताकि वो यूट्रस को प्रिपेयर कर सके प्रेगनेंसी के लिए क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुकी है एग रिलीज़ हो चुका है किसी भी टाइम एग फर्टिलाइज़ हो सकता है इन केस फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस को पहले से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है इम्प्लांटेशन के लिए अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है तो ये कॉर्पस लूटियम फिर प्रोजेस्टोरॉन सिक्रीट करना बंद कर देगा और धीरे धीरे यूट्रेस की लाइनिंग जो है वो डिजेनरेट करने लगेगी एंड विच विल कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल अब देखो पास इंटरमीडिया किस तरह के हॉर्मोन सिक्रीट करेगा ये यूजुअली मर्ज हो जाता है पास डिस्टेलिस में प्रोड्यूस करता है मिलानोसाइट स्टोमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम एम एस एच भी बोलते हैं और मिलानोसाइट स्टोमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है मिलानोसाइट्स में मिलानोसाइट्स हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि किसी भी इंसान का जो भी कॉम्प्लेक्शन है चाहे वो गोरा है वो काला है वो सांवला है वो व्टिश कलर का है वॉट एवर कॉम्प्लेक्शन दैट पर्सन एग्जिबिट्स इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मिलानोसाइट्स एंड मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है दैट इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय पास इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड चलो आगे देखो न्यूरोहाइपोफिसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अब हम लोग देखेंगे ये स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन को और ये बेसिकली हॉर्मोन्स होते हैं के। Oxytocin का काम है स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन लेकर आना तो जिस टाइम जब भी आ, एक नॉर्मल पार्चुरेशन होने वाली होती है यानी जेस्टेशन पीरियड खत्म हो रहा है बच्चा फुल्ली डेवलप हो चुका है प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है तो वो जो लेबर पेन स्टार्ट होता है ना वो क्यों होता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग जाती है और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होती है तो वो एक्ट करती है यूट्रस के मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल से बना हुआ है उन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है उस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से बेबी एक्सपेल आउट होता है ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन लेबर पेन हो जाती है ठीक है इन फीमेल चाइल्ड बर्थ एंड तो आपको समझ में आ गया चलो या फिर एंटी डायूरिटिक हॉर्मोन का फंक्शन एक बार देख लो ये स्टूमुलेट करेगा वॉटर का रीऑब्जॉर्ब एंटाइडिक हॉर्मोन डाय यूरेटिक डायूरिस के अगेंस्ट जाता है ये

एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन इसीलिए इसको हम इंसिपिडर डायबिटीज इंसिपिटस भी बोलते हैं जब जब बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में वाटर बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट होती है तो हम ऐसे कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिटस भी बोलते हैं दैट कॉज्ड बाय ए हार्मोन एच हॉर्मोन एंटा जिसे हम वासन भी कहते हैं चलो आगे देखो अब आगे हम लोग पीनियल ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में सिचुएटेड होता है और मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ मेलेटॉनिन हॉर्मोन रेगुलेट करेगा डायरनल रिदम ऑफ बॉडी ट्वेंटी फोर आर का जो स्लीपे साइकिल होता है किस टाइम पर हमें नींद आएगी किस टाइम पर हम सोकर उठेंगे किस टाइम पर हमें भूख लगेगी किस टाइम पर हमें लेजीनेस फील होगा एवरी थिंग इज ऑलवेज प्री डिटरमाइंड इन आर बॉडी वो रेगुलेट करने वाला जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है ठीक है स्लीप वेक साइकिल बॉडी का टेम्परेचर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस करेगा हमारे मेटाबॉलिज्म को पिगमेंटेशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल को और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करने का काम पीनियल ग्लैंड का होता है छोटा सा ग्लैंड लेकिन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फंक्शन अब हम बात करेंगे थाइरॉयड ग्लैंड के बारे में बच्चों तो थाइरोयड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इंक्लूड करेगा टू लोब्स जो लोकेटेड होते हैं ट्रैकिया के इधर साइड में ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है उसके इधर साइड में दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसी से बना हुआ होता है थायराइड ग्लैंड लोब्स जो है इंटरकनेक्टेड होंगे इस से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना बीच वाला पार्ट जो इंटरकनेक्शन है दोनों के बीच का दैट इज इस जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है ग्लैंड होते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज से फॉलिकल्स और से बने हुए होते हैं। जो चोटे -चोटे आप फॉलिकल्स देख रहे हो ना यही है, करती है और थारोलिटोनिन थारॉक्सिन को हम टेट्रा या टी फोर भी बोलते हैं ट्राइडोथ को हम टी थ्री भी बोलते हैं आपने कभी भी अगर फुल बॉडी चेकअप कराया होगा या फिर आपने टेस्ट वगैरह कराए होंगे मेडिकल चेकअप अगर हुआ होगा तो उसमें आता होगा टी थ्री टी फोर का टेस्ट कराना टी थ्री टी फोर कुछ नहीं थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स के बारे में कि आपको थायराइड है या नहीं है दूसरा हॉर्मोन है थायरोकैल्सीटोनिन थायरोकैल्सीटोनिन थारॉक्सिन हॉर्मोन का फंक्शन देख लो थरॉक्सिन और ट्राइडो का फंक्शन है रेगुलेशन करना बेसल मेटाबॉलिक रेट का बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी की कितनी होगी वो रेगुलेट करने का काम है थायराइड ग्लैंड का फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी थायराइड ग्लैंड कराता है जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत होती है थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनका कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा रिटार्ड हो जाता है मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा सा रिटार्ड हो जाता है सपोर्ट करेगा आरबीसी के फॉर्मेशन को तो आपने देखा होगा जिन लोगों को भी थायराइड की दिक्कत होती है वो यूजुअली अनेमिक भी हो जाते हैं जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत होती है यूजुअली वो अनेमिक भी हो जाते हैं क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है जिसके वजह से खून की कमी हो जाती है थायरॉक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारे बॉडी में बेसिकली अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है है जो ग्लैंड परफॉर्म कर रहा बॉडी के अंदर हैल्सिटोनिन एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है बच्चों और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को लो करा देता है अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो रही है तो यानी कि कहां पर बढ़ रही है हड्डियों में हड्डियों में जब कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा कैल्शियम आइन डिपोजिट कैल्शियम आयन के डिपोजिशन बढ़ने लगेंगे तो ब्लड में से वो सारा कैल्शियम निकल कर जा रहा होगा हड्डियों के पास तो अभी आप एक और हार्मोन के बारे में पढ़ोगे जिसका इससे ऑपोजिट रोल है तो वहां पर हम फीडबैक मेकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे चलो फिर आ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि एक डिसऑर्डर है थारॉयड ग्लैंड का थारॉयसिन हार्मोन का गोइटर क्या चीज है बच्चों एनलार्जमेंट जब थायराइड ग्लैंड की हो जाती है आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से क्यों क्योंकि आयोडीन इज द मेन एलिमेंट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन या ट्राई ठीक है अडल्ट वुमेन में ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज कर सकता है गोइटर ठीक है हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम जब हो जाती है तो बच्चे का ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है जिसे हम क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं मेंटल रिटाडेशन आ जाती है लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन लो आईक्यू आ जाता है और अब नॉर्मल ग्रोथ अब नॉर्मल स्किन डेफ म्यूटिज्म ये सब सारी चीज़ें हो सकती है तो गोइटर जो लगता होगा कि कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये डिजीज़ बस आयोडीन का इंटेक करो और गोइटर ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता ठीक है अगर अब नॉर्मली थायराइड हार्मोन का इंक्रीज़ आ हो जाए तो वो एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकता है ठीक है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इट कैन इट इज़ कॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स और द कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड थाइरॉयड ग्लैंड में जब कैंसर प्रोड्यूस होने लग जाता है तो अब नॉर्मल इंक्रीज़ हो जाती है थायरोयड हार्मोन की इसके वजह से एक्जोपथार्मिक गोइटर ग्रेव्स डिजीज हो सकता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म सिम्टम क्या है कि बहुत ही ज़्यादा थाइरॉयड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा आई बॉल्स बाहर की तरफ निकलने लगेंगे प्रोट्यूड आउट करने लगेंगे बी एम आर और वेट लॉस इंक्रीज हो जाएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा वेट लॉस भी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा चलो अब हम बात करेंगे पैराथाइर हार्मोन के बारे में जिसे पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं चार ग्लैंड हैं जो प्रेजेंट होंगे ग्लैंड के बैक साइड में बैक साइड में प्रेजेंट होंगे चार ग्लैंड होते हैं ठीक है नाउ दे सिक्रीट पैराथाइरोड हार्मोन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन देखो यहाँ पे चार ग्लैंड है ना बैक साइड में फंक्शन क्या है मैंने अभी आपको बताया थाइरोलटोन अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज करा रहा है तो ये पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराएगा यानी कि हाइपर हार्मोन हॉर्मोन है ये ठीक है तो यानी कि ये स्टूमुलेट कराएगा बोन का रिजॉर्बन जिसे डीमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल का कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा ड्यू टू थाइरोल्सिटोनिन तो पैराथॉर्मोन सिक्रीट होने लग जाती है और जैसे ही पैराथॉर्मोन सिक्रीट होगी वैसे बोन्स में से जो कैल्शियम है वो एक्सट्रैक्ट होने लगेगा और ब्लड में मिक्स होने लगेगा जिसके वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा और बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा बोन का रिजॉर्बन हो जाएगा समझ में आया इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है बिटवीन और पैराथॉर्मोन स्टमुलेट करेगा ऑफ कैल्शियम आयंस बाय रीनल ट्यूब्यूल और इंक्रीज करता है कैल्शियम आयंस के एब्जॉर्बन को फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड बेसिकली ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है डाइजेस्टेड फूड में से सारा कैल्शियम निकाल लेगा बोन्स में से कैल्शियम निकाल लेगा रीनल ट्यूब्यूल्स में से कैल्शियम आयस को निकाल लेगा बस इसको किसी भी तरह से ब्लड के अंदर की कैल्शियम की कमी को फुलफिल करना है अलॉन्ग विथ टीसी इट हेल्प इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी यहां पर लिखा हुआ है ना कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी तो एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था विच हॉर्मोन इज विच हॉर्मोन रेग्युलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी या फिर इन द ब्लड रेग्युलेट्स ठीक है तो उसमें ऑप्शन था कैल्सोटोन भी था पैराथार्मोन भी था थायरॉयड भी था और भी एक कोई ऑप्शन था तो उसमें आंसर हो जाएगा पैराथॉर्मोन ये डिक्रीज नहीं कर रहा है ना एटलीस्ट ये इंक्रीज ही कर रहा है एक तरह से रेगुलेट कर रहा है तो आंसर इसका पैराथॉर्मोन हो जाएगा जबकि थायरोकैल्सीटोनिन भी डिक्रीज करके कहीं ना कहीं रेगुलेट ही कर रहा होगा दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है तो दोनों रेगुलेशन में काम आएंगे लेकिन जब भी कंट्रोल या रेगुलेशन वाली टर्म्स आ जाती है ना तो आपको इंक्रीज जो कराता है उसका नाम लेना पड़ेगा पैराथॉर्मोन का नाम लेना पड़ेगा ठीक है चलो अब हम बात करते हैं थायमस ग्लैंड के बारे में बच्चों थायमस ग्लैंड क्या चीज है तो थाइमस ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड है दैट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स लंग्स के बीचों बीच छोटू सा ग्लैंड होता है ग्लैंड और वो स्टर्नम के जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड ऑफ ओटा में सिक्रीट करेगा थाइमोसिन हार्मोन को जो कि एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है फंक्शन है थाइमोसिन का डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी इम्फोसाइड जो प्रोवाइड करती है सेल मीडियेटेड इम्यूनिटी प्रमोट एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि टी सेल्स सेल्स एंड बी का जो प्रोडक्शन है वो थाइमोसिन कराता है वो थाइमोसिन कराता है थायमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे Uh, कोई भी पर्सन ओल्ड एज में चला जाता है एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक क्यों नौजवानों को कोई जल्दी बीमारी नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी में अभी थाइमोसिन सिक्रीट हो रहा है थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है और इसी वजह से इम्यूनिटी अच्छी तरीके से काम कर रही है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है जैसे जैसे ओल्ड एज बढ़ती जाती है किसी भी बीमारी को कैच करना बहुत इजी हो जाता है कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है ना बूढ़े लोगों को क्यों क्योंकि उनकी बॉडी में अब थाइमस ग्लैंड ही नहीं है वो डिजेनरेट कर चुका है यानी थाइमोसिन ही सिक्रीट नहीं होगा यानी बी सेल्स और टी सेल्स का प्रोडक्शन में भी हैम्पर करेगा जिसके वजह से इम्यून सिस्टम हमारा मतलब उन ओल्ड एज वालों के बॉडी में कम हो जाता है चलो अब बात करते हैं हम लोग अड्रीनल ग्लैंड के बारे में अड्रीनल ग्लैंड पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अड्रीनल कॉर्टेक्स का फिर हम लोग पढ़ेंगे अड्रीनल मेडिला का अड्रीनल कॉर्टेक्स के तीन लेयर्स होते हैं इनर जोना रेटिकुलरिस मिडिल जोना फेसिकुलेटा आउटर जोना ग्लोमरलोसा सो so, ये प्रोड्यूस करता है कॉटिकॉइड हॉर्मोन्स को जैसे कि ग्लूको हो गए मिनरलो कॉर्टिकॉयड्स हो गए और जितने भी एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉय्स हैं बेसिकली जो भी कॉर्टिकॉयड्स हैं वो सारा सिक्रीशन अड्रीनल कॉर्टिक्स का होगा ग्लूको इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं और लिपोलिसिस और प्रोटिवलिसिस भी कराते हैं लिपिड का ब्रेकडाउन uh, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराते हैं इनहिबिट करेंगे सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करेंगे और किडनी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करेंगे कॉर्टिसोल स्टूमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम कॉर्टिकॉइड्स का होता है चलो एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉय्स जो होते हैं और ग्रोथ ऑफ और एक्ल हेयर प्यूबिक हेयर फेशियल हेयर प्यूबर्टी के टाइम पर इनका रोल उसी में होता है नाउ अगर डेफिशिएंसी आ गई डेफिशियोड हार्मोन्स में तो वो अफेक्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अक्यूट वीकनेस और फटीग कॉज होगा और इसी को हम इसी डिसऑर्डर को हम एडिसंस डिजीज भी बोलते हैं इसी को हम एडिस डिजीज भी बोलते हैं अब हम बात करेंगे बच्चों एड्रीनल मेडुला के बारे में जो कि कैटिकोलामीन एंजाइम्स सॉरी कैटिकोलामीन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जैसे कि अड्रीनलिन है नॉर एड्रीनलिन है अड्रीनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं नॉर एड्रीनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं एक तरह का न्यूरो भी होता है ये और कैटिकोलमिन हार्मोन भी होता है ये रैपिडली सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एमरजेंसी सिचुएशन इसीलिए से एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं यानी हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट ठीक है जब भी हम किसी फाइट या फ्लाइट वाले सिचुएशन में होंगे तो अड्रीनलिन रश होगा हमें ठीक है सो तो ये हॉर्मोन इंक्रीज करता है अलर्टनेस को हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा पाइलो इेक्शन रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी हम ऐसे डर वाले माहौल में होंगे या गुस्से वाले जोन में होंगे ठीक है पाइलो इरेक्शन होगा स्वेटिंग होने लगेगी हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होगा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन आएगा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा ये स्टूमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को ताकि ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़े क्योंकि इन केस अगर फ्लाइट वाला इमरजेंसी कंडीशन है इमरजेंसी सिचुएशन है तो यानी कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिससे हमें भागना है तो भागने के लिए चाहिए एनर्जी

क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों के तरह से वर्क करता है दोनों के तरह से फंक्शन करता है आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो उसका एंडोक्राइन पार्ट है ठीक है और बाकी उसका एक्सोक्राइन पार्ट है सो देर आर अबाउट वन टू टू मिलियन आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हैंड्स यानी कि एक से दो परसेंट जो पेनक्रियाटिक टिश्यूज होंगी ना वो ये कंस्टिट्यूट करता है जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं आइलेट्स की वो सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि ग्लूकागन और इंसुलिन रिस्पेक्टिवली अल्फ़ा सेल सिक्रीट करेगी ग्लूकागन को और बीटा सेल सिक्रीट करेगी इंसुलिन को नाउ दे मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों ही आपस में एंटागोनिस्टिक है और ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का काम इनका होता है ग्लूकागन के फंक्शंस क्या हैं कि ये हिपैटोसाइट्स पर एक्ट करेगा और स्टूमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलिसिस को ग्लाइकोजिनोलिसिस का क्या मतलब हुआ कि ग्लाइकोजिन को तोड़कर ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ाना रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल हाइपरग्लाइसीमिया और ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ग्लूकोस का फॉर्मेशन को भी ये स्टिमुलेट करेगा रिड्यूस करेगा सेलुलर ग्लूकोस के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को भी चलो बात करते हैं अब हम लोग इंसुलिन के बारे में जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है जो कि ब्लड में से शुगर लेवल को डिक्रीज कराता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराता है एक्ट्स ऑन एंड एडिपोसाइट्स ऑन इन्हेंस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है रैपिडली मूव करती है हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स uh, में और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है यानी कि हाइपो हो जाता है अगर ग्लाइको जेनेसिस कर रहा है यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करा रहा है ग्लाइकोजन में इफ इन केस ये वाला फंक्शन इंसुलिन नहीं कर पा रहा है यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बाय ग्लूकोस तो ये एक तरह का डिसऑर्डर बन जाता है ड्यू टू तो प्रोलोंग्ड हाइपर ग्लाइसेमिया प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसेमिया बहुत लंबे टाइम तक ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये एक तरह का डिसऑर्डर हो गया उस डिसऑर्डर को हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस जिस डायबिटीज को हम शुगर, भी कहते, शुगर के नाम से भी जाते हैं तो डायबिटीज इंसिपिडस अलग है डायबिटीज मिलाइटस अलग है डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब है वाटर का लॉस हो जाना डिहाइड्रेशन हो जाना और डायबिटीज मिलाइटिस का मतलब है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके वजह से ब्लड में शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो चुकी है सिम्टम इसके हैं लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन और फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड जैसे कीटोन बॉडीज ट्रीटमेंट होता है इसका इंसुलिन की थेरेपी ठीक है चलो नाउ फाइनली अब हम लोग बात करेंगे गोनेट्स के बारे में आई गेस दिस इज द लास्ट ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं सो so, गोनाइ्स भी दो तरह के होते हैं एक होता है टेस्टिस जो मेल्स में पाया जाता है और एक होता है ओवरी जो फीमेल गोनाड कहलाती है

लीडिक सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस में पा, आ, पाई जाती हैं जो प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स को जिसे एंड्रोजन बोला जाता है एंड्रोजन का प्रिंसिपल हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन तो बेसिकली टेस्टिस क्या सिक्रीट कर रही है टेस्टिस एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कर रही है जिसका फंक्शन है डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का कराना का कराना, का प्रोडक्शन सेक्सुअल बिहेवियर को ट कराना, जैसे हम लिबिडो भी बोलते हैं मसल की ग्रोथ कराना हेयर अग्रेसिवनेस लो पिच वॉइस ये सारी चीजें रेगुलेट करने का काम इनका होता है इट हेल्प्स इन एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबोलिज्म का मतलब हो गया एनाबोलिज्म का मतलब हो गया कि उसका फॉर्मेशन कराना कैटाबोलिज्म इज ब्रेक डाउन एनाबोलिज्म इज फॉर्मेशन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये एनाबोलिज्म करा रहा है ओवरी जो कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ए पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन प्रोड्यूस करती है एक ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल और जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है तो बच्चों किस तरह से है सारा मैकेनिज्म ये देखो ओवरी बनी हुई होती है ओवेरियन फॉलिकल से और स्ट्रोमा के टिश्यूज से ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस करेगी ईस्ट्रोजन जो कि एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है ओव्यूलेशन के बाद जब फॉलिकल फॉलिकल रप्चर हो जाता है है ग्राफियन तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इट सिक्रिट प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा स्टेरॉइड हार्मोन जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है यूट्रस को प्रिपेयर करता है ईस्ट्रोजन का फंक्शन देखो स्टूमुलेट करेगी ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगी फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स का आ, ये के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी सेक्शल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगी प्रोजेस्टोरॉन का फंक्शन देखो ये सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी इसे प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन भी बोला जाता है मेमोरी ग्लैंस पर एक्ट करेगी और एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करवाएगी जो कि मिल्क सिक्रीशन में आगे चलकर हेल्प कराता है ताकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके बच्चों ठीक है अब देखो अब हम लोग कुछ लास्ट के फ्यू टॉपिक्स पर आ जाते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स केमिकल नेचर के बेसिस पर कौन कौन से टाइप के हॉर्मोन्स पाए जाते हैं एक होता है पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जैसे कि इंसुलिन हो गया ग्लूकागन हो गया पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए हाइपोथैलोमिक के हार्मोन्स हो गए हो 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 एक होता है स्टोरॉयड हार्मोन जिसमें कोर्टिसोल आ जाता है टेस्टोस्टेरोन आ जाता है स्ट्रोडायोल है प्रोजेस्टेरोन है एक होता है आइडोथायरो जिसका एग्जाम्पल्स हैं थाइरोयड के हारमोन और चौथा है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स यानी कि अड्रीनलिन और नॉन अड्रीनलिन ठीक है ये सारे टाइप्स हो गए हॉर्मोन्स के फटाफट से मैकेनिज्म देखो हॉर्मोन का एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है हॉर्मोन्स जब अपना इफेक्ट प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस करते हैं ना तो वो किसी बाइंडिंग किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं यानी कि हॉर्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा टारगेट टिश्यूज में अब वही हार्मोन बाइंड करेगा उस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा नाउ इट विल लीड टू बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टारगेट टिश्यूज में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएंगे जो रेगुलेट करेगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन को और मेटाबॉलिज्म को भी नाउ इस तरीके से सारा हार्मोन का मेकेनिज्म uh, हो रहा है बच्चों दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि कुछ हॉर्मोन्स हैं एग्जाम्पल प्रोटीन हॉर्मोन एफ एस एच ये इंटरैक्ट करेगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ यानी कि ये पूरे टारगेट सेल के सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा ये उसी मेम्ब्रेन तक बना रहेगा सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है जैसे कि साइकिल एमपी आईपी थ्री कैल्शियम आयंस एक्सेट्रा और इट इन टर्न रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस करने वाला है हार्मोन बाइंड किया रिसेप्टर के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना पहला रिस्पांस दिया जनरेट करेगा सेकेंड मैसेंजर को सेकेंडरी मैसेंजर को जिससे साइक्लिक है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया और उसके वजह से एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया यानी कि ओवेरियन ग्रोथ हो गई इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर देखो कुछ हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ यानी कि यूजुअली सेल के अंदर न्यूक्लियस में वो रिसेप्टर पाए जाते हैं हार्मोन हो गए स्टरॉइड हार्मोन हो गए आइडोथायरोनिन्स हो गए ये सारे इंट्रासेलुलर होते हैं मोस्टली रेगुलेट करेंगे जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोजोम के फंक्शन को बाई द इंटरैक्शन ऑफ हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद इन द जीनोम जीनोम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बच्चों ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट करता है फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स में नाउ अब इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख लो हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा स्टिमुलेट करेगा जीनोम को फॉर्मेशन होगी एम की प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा और उसके वजह से एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो दे देगा तो बच्चों ये था पूरा का पूरा केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का होल चैप्टर वन शॉर्ट लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया होगा चलो सो so, फटाफट से लाइक कर दो सेशन को अगर सेशन अच्छा लगा हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी के बारे में आपने सुना है या आपके घर में किसी को वो है ठीक है चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच एंड बाय बाय